कजाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी पत्रकार इम्तियाज अहमद ने यह दावा किया है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है। उनका कहना है कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी कोशिश में जुटे हैं। देखिए, मेरी तो ख्वाहिश है और मेरा ख्याल और तजिया है, एनालिसिस है कि ये मिलेंगे, गैर रस्मी कह लें, लेकिन इनकी एक नहीं, यहाँ पे कई मुलाकातें होंगी, खाने पर मुलाकातें होंगी, सकाफती प्रोग्राम, कल्चरल शो हो रहा है, उसमें मुलाकातें होंगी, कंसल्टेशंस हो रही होंगी, और मुझे लगता ये है कि काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनली भी, जैसे प्यूटन कर रहे हैं कोशिश, जैसे कि चाइना के प्रेसिडेंट कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये मिल पाएंगे, और ये बहुत बुरा मैसेज जाएगा अगर ये दोनों यहाँ मिलेंगे और ये न मिले और बात न करें। हम क्यों अपना सब कॉन्टिनेंट का मजाक दुनिया में बनाना चाहते हैं? हमें बात करनी चाहिए, हमारे बड़े रिश्ते हैं, बड़े तारीखी ताल्लुक हैं, ये मसले चलते रहते हैं, इख्तलाफ चलते रहते हैं, झगड़े भी चलते रहते हैं, और झगड़ों के बावजूद भी बातचीत होनी चाहिए, होती रही है। और इस बीच आपको ये भी बता दें, SCO में पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मीडिया के सवालों को दरकिनार कर दिया। जब नवाज पहुंचे तो पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या वो मीडिया से बात करेंगे और क्या वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, लेकिन उन्होंने हर सवाल को दरकिनार किया और वो आगे बढ़ गए, कुछ नहीं बोले। सर, नवाज सर, सर इंडियन मीडिया से बात करते जाइए। नवाज सर बात करेंगे। तो देख रहे हैं आप, नवाज शरीफ कुछ नहीं बोल रहे, और जो पीएमओ है और यहाँ के जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं वो भी कह रहे हैं इस तरह की कोई 1-to-1 मीटिंग शेड्यूल नहीं है दोनों नेताओं के बीच, लेकिन अगर ये मुलाकात होती है तो फिर ये बड़ी खबर बनेगी। इस खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे, आपको अपडेट जरूर देंगे।